महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विधायक विपिन सिंह ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से श्रद्धालुओं से भरी 6 बसों को झंडी दिखाकर अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए रवाना किया, जिसके संबंध में विधायक विपिन सिंह ने बताया कि गोरखपुर से 6 बसें अयोध्या के लिए जा रही हैं, जिनमें 300 वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, समाज सेवी व शामिल हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश का पहला जनपद है जहां से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई बस अयोध्या के लिए जा रही है। आज के बाद बाकी जगहों से अयोध्या दर्शन के लिए बसें जाएंगी। इससे हमारे जनपद के नागरिक बहुत खुश हैं। हमारे मुख्यमंत्री की सोच बहुत निराली है, वह दिन रात जनता की सेवा करते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जनता के द्वारा अच्छे वोट के रूप में भाजपा को वोट दिया गया है। आगे 2024 में देश में योगी व मोदी की जयकार होगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह श्रद्धालु अभिनव राजन चतुर्वेदी ने कहा, आज हमारी 6 बसें यहाँ लगी हैं और 6 बजे से बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता और सभी हमारे समाजसेवी जितने हैं शहर के या पूरे क्षेत्र के, यहाँ से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए हम पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर वासियों को पहली बार ऐसा अवसर दिया है कि प्रदेश में हम लोगों को लगता है गोरखपुर पहली बार यहाँ से जा रहा है। अभी और से जनपद और विधानसभा से लोग जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दर्शन करने के लिए। और महाराज जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कराई है कि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने हमारे शहरवासी हैं बहुत खुश हैं कि योगी जी की सोच देखिए कितनी निराली है। और योगी जी दिन रात जनता की सेवा करते जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा प्रदर्शन जनता के द्वारा वोट के रूप में दिया गया है और आगे भी आप देखें 2024 में योगी मोदी जी की जयकार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है और निश्चित है हमारे योगी जी की कर्म भूमि है तो यहाँ से कार्यकर्ता पूरे योगी जी के आदेश का पालन करते हैं और आज अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन के लिए यहाँ से कूच कर रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु श्री राम का जो बरसों से इंतजार था, जो हम लोग इसके आंदोलन को भी सुना और देखा और समझा है, तो उसका एक विराम लगा और वह निश्चित रूप से हिंदू और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही गौरव के पल है, बहुत ही खुशी का पल है। तो इस खुशी के पल में प्रभु श्री राम का दर्शन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सपत्नी जो है अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं।